दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिजनेस के जादूगर कहे जाने वाले मुकेश अंबानी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक पेट्रोल पंप में गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालने वाले का बेटा एशिया का सबसे अमीर आदमी बना। मुकेश अंबानी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के बिजनेस से कैसे मुनाफा कमाया जाता है, इसका सही और सटीक फॉर्मूला किसी के पास है तो वे है मुकेश अंबानी। दोस्तों, कहते हैं कि अपने काम के प्रति सच्ची मेहनत और लगन आपको सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचाती है, और इसको ही साबित करके दिखाया है मुकेश अंबानी जी ने। तो चलिए मुकेश अंबानी जी की कहानी को स्टार्टिंग से जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1957 को, जब मुकेश अंबानी का जन्म भारत से दूर यमन में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी और माँ का नाम कोकिला अंबानी है। धीरू भाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप में काम करते थे, और जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ तो धीरू भाई अंबानी भारत आ गए और देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने की नींव रखी गई। और किसे मालूम था कि होने वाला एशिया का सबसे अमीर आदमी अपना गुजारा मुंबई के एक साधारण से चौल में कर रहा है। मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूली शिक्षा चौल के पास ही बने हिल ग्रैंज हाई स्कूल से की। स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई में दाखिला लिए, और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA कोर्स में ज्वाइन किया। पर 1980 के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भारत आ गए। इसी बीच धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना कर चुके थे, और 1981 में मुकेश अंबानी ने ऑफिशियल तौर पर रिलायंस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और धीरे धीरे अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने लगे। और 1984 को मुकेश अंबानी ने नीता से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटा और 1 बेटी। मुकेश अंबानी के करीबी परिमल नयानी कहते हैं कि मुकेश अंबानी टाइम मैनेजमेंट को बहुत मानते हैं। वो कहते हैं कि मुकेश अंबानी जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं, उस प्रोजेक्ट का एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम में ही उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दिखाते हैं। और आगे कहते हैं कि मुकेश अंबानी का एक चेकलिस्ट होता है, जिसमें लिखा होता है कि किस प्रोजेक्ट का रिव्यू करना है, किस काम का फॉलो अप करना है। इसके अलावा मुकेश अंबानी को क्रिकेट और फुटबॉल बहुत पसंद है। शायद इसीलिए मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस की हिस्सेदारी खरीदी। पर यह मुकेश अंबानी का बिजनेस कम और शौक ज़्यादा है, पर नीता अंबानी इसमें ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। पर मुकेश अपने इस स्पोर्ट्समैन बिजनेस के लिए समय निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, आपको मुकेश अंबानी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।